Hey everyone, welcome back to my channel. Here I'm with another video, and in this video I'm going to share with you Smita Deepak inspired makeup look. She's a very talented beauty vlogger. मैं उनके आसपास भी नहीं जा सकती, लेकिन ये वाला लुक मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने क्रिएट करने की कोशिश किया है. अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना होगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी विद द हेल्प ऑफ डाबर ग्लावरी रोज वाटर, एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर मेरी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. एंड मैं यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट मेरी फेस पे जो जो डार्क स्पॉट्स है उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर. एंड करेक्टर यूज़ करने से स्किन जो है बहुत ही इवन आउट हो जाता है, एंड उसके साथ साथ मेकअप भी बहुत ही फ्लॉलेस होता है. एंड इसके बाद मैं करेक्टर के ऊपर लूज पाउडर लगाऊंगी ताकि मेरे करेक्टर जो है फिक्स हो जाए, फाउंडेशन के साथ ब्लेंड ना हो जाए. एंड फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ करूँगी मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन. ये एक बहुत ही अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है, एंड इस फाउंडेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट मैं अपने फेस पे फाउंडेशन को डॉट डॉट करके लगा लूँगी, एंड उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. देन स्मिता ने अपने फेस को कंसीलर की मदद से हाईलाइट की थी, एंड मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी कंसीलर. मैं अपने सारे हाई पॉइंट्स पे कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करूँगी, एंड उसके बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सेम कंसीलर को मैं एज अ आई शेडो बेस अपनी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी, एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ रेवलॉन प्रेस पाउडर. इसके बाद मैं अपने फेस को लिटिल बिट कंट्रोल करूँगी, एंड स्मिता ने भी क्रीम कंट्रोल की यूज़ की थी, एंड मैं भी यहाँ पे क्रीम कंट्रोलिंग कर रही हूँ. एंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मी नाउ की कंसीलर कम कंट्रोलिंग पैलेट, एंड ये एक बहुत ही अच्छा पैलेट है. सेम पैलेट के अंदर आपको कंसीलर, कंटूरिंग शेड, हाइलाइटर, करेक्टर सब कुछ मिल जा रहा है. एंड इसके ऊपर मैं और एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड इसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप. फर्स्ट मैं ADS की आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को फिल इन करूँगी. देन एक स्पूली की मदद से आईब्रो को अच्छी तरीके से अरेंज कर लूँगी. सो नेक्स्ट मैं मीनाओं की एक कंसीलर पैलेट से कंसीलर लेके अपने आईब्रो जिसको क्लीन करूँगी, एंड उससे अपने फिंगर टिप की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड इसके बाद लूज़ पाउडर की मदद से मैं अपने आई एरिया की कंसीलर को भी अच्छे से फिक्स कर लूँगी ताकि ये क्रीज ना हो जाए. एंड इसके बाद मैं दिस ब्राउन कलर के शेड को लूँगी, एंड अपने इनर एंड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, एंड एक फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड इसके बाद मैं एक एंगल ब्रश के ऊपर मेकअप फिक्सर स्प्रे करूँगी, एंड दिस ब्यूटीफुल ग्लिटर को पिक करूँगी ब्रश पे, एंड अपने सेंटर आईलिड पे अप्लाई करूँगी. एंड स्मिता ने शायद शिमरी आई शेडो अप्लाई की थी, लेकिन इस कलर की शिमरी आई शेडो मेरे पास नहीं है तो मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ. एंड मैं सेम प्रोसेस को अपने लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करूँगी. एंड आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैकमे लिक्विड आईलाइनर. एंड ADS की एक ब्लैक कलर की काजल पेंसिल से मैं अपनी वाटर लाइन को ड्रॉ करूँगी. देन मैं अपने नेचुरल आईलैशेस को कर्ल करूँगी, एंड उसके बाद अप्लाई करूँगी मस्कारा. एंड मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की वाटर प्रूफ मस्कारा. ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर. एंड मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कैमिलियन का पाउडर हाईलाइटर. सो नेक्स्ट मैं अपने लिप लाइन को ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ मीना सुपर मैट लिप लाइनर. एंड स्मिता ने इस कलर की लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई की थी, लेकिन इस कलर की कोई भी लिक्विड लिपस्टिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं TYA ब्रांड की ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एंड ये लिपस्टिक मैट फिनिशिंग का है. तो फाइनली मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सुई स्पीडवी का मेकअप फिक्सर. सो ये रही मेरी फाइनल लुक. आई होप आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. टिल देन टाटा. I'm on my own, broken alone.